जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और ऑप्शन में लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम है वेक्सिया लाइफ केयर। लाइफ केयर भले ही इस कंपनी के नाम में लगा है लेकिन ये निवेशकों के लाइफ का बिल्कुल केयर नहीं करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन निवेशक इस स्टॉक में पैसा लगाते हैं उनके पैसों का यह बिल्कुल केयर नहीं करती है, देखभाल नहीं करती है। आप में से तमाम ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से बहुत से लोग इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका पोर्टफोलियो में स्टॉक रेड निशान में दिखाई दे रहा है, इसीलिए शायद आप इस वीडियो को देख रहे हैं। खैर, मैं आपकी चिंता को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा इस वीडियो में। देखिए, वेक्सिया लाइफ केयर को पहले केबिट टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था, बाद में नेम चेंज हुआ। नाम चेंज होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, काम अब भी कंपनी का वैसा ही है। हालांकि कंपनी भले ही देखने में छोटी सी है, तकरीबन 98-99 करोड़ के आसपास इस कंपनी का वैल्यूएशन है, लेकिन कंपनी मल्टीपल बिजनेसों में कूदी हुई है। आज के समय में देखेंगे तो कंपनी ये FMCG के अलावा एग्रीकल्चर के बिजनेसों में भी और साथ में केमिकल का बिजनेस भी कंपनी करती है। सबसे खास बात यह है कि इन सभी चीज़ों में कंपनी ट्रेडिंग का काम भी करती है। ट्रेडिंग करने का मतलब होता है कि जिस बिजनेस में कंपनी कूदी हुई है, जिस बिजनेस में कंपनी का काम काज है, उसमें ये खरीद फरोख्त भी करती है। खरीदती है, उसमें कुछ एडिशन या मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको सेल करती है, तो इसको कहते हैं ट्रेडिंग करना। अब देखिए, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इस कंपनी का शेयर प्राइस 1.59 रुपये के आसपास चल रहा है और आप देख सकते हैं कि आज इसमें तकरीबन 0.63% के आसपास तेजी देखने को मिली है। खैर, यह तो एक दिन की तेजी है, एक दिन की तेजी या गिरावट से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन आप चार्ट पर आप स्क्रीन पर देखेंगे इसका जो चार्ट पैटर्न है पिछले एक साल से डाउन ट्रेंड में है। इस साल के जनवरी में जब इसने अपना अच्छा खासा हाई लगाया था 5.78 रुपये का, उसके बाद से देख सकते हैं कैसे इसका प्राइस कंटिन्यूस डाउन गया है। हालांकि मार्च में थोड़ा सा इस कंपनी का शेयर प्राइस संभला, मार्च में जहां 5.78 रुपये से हाई बनाने के बाद डाउन होकर ये 2.5 रुपये तक इस कंपनी का शेयर प्राइस चला गया था, वहां से उठकर फिर 4.5 रुपये के आसपास तक गया। यानी कि जो लोग फंसे हुए थे उनको निकलने का मौका दिया और कुछ लोग निकले भी जो लोग समझदार थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस प्राइस पर जब 2.5 रुपये तक इसका प्राइस गया था और फिर जब बढ़ने लगा वहाँ पर एवरेजिंग कर लिया होगा। देखिए, गिरते हुए स्टॉक में कभी भी एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, खासकर पेनी स्टॉक में। और जो लोग वहाँ पर एवरेजिंग किए होंगे या फिर 4.5 रुपये के आसपास मार्च में बाय किए होंगे, वही लोग अभी इसमें फंसे हुए हैं। देखिए, आपके लिए राहत की खबर यह है कि कंपनी के फंडामेंटल में सुधार होते हुए दिख रहे हैं। खैर, फंडामेंटल में सुधार होते हुए दिखना इस बात की गारंटी नहीं है कि शेयर प्राइस में तेजी आ ही जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर से लेकर जनवरी तक का महीना पेनी स्टॉक के लिए, ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी खास होता है, क्योंकि इसे बुल रन मतलब इसमें बुल बैक का आना माना जाता है इस मंथ में। तो ऐसा देखा भी जा रहा है कि शेयर मार्केट में धीरे धीरे तेजी आ रही है, और खासकर पेनी स्टॉक की बात करें तो पेनी स्टॉक भी जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक इन दिनों बुलंदियों पर होते हैं। तो यदि आप फंसे हुए हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, कह सकते हैं कि इसमें तेजी आती हुई दिख भी रही है। आज के ही दिन देखें तो तकरीबन 1% के आसपास तेजी देखने को मिली है। इसके लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है, जो इसके लिए रुकआउट का काम कर रहा है, वो है 2 रुपया। तो आपको ध्यान देना है कि 2 रुपये से ऊपर जब इस स्टॉक का प्राइस निकलेगा वहाँ पर फिर आप जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ वहाँ निकलना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें यदि आपका आपने जहाँ तक बाई किया वहाँ तक भी प्राइस पहुँचता है तो वहाँ निकल जाए, क्योंकि ज़्यादा लालच नहीं करना है। ये स्टॉक काफ़ी दिनों से नीचे है और इतने जल्दी फिर अपने हाई तक पहुँचने की इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये 5-5.5 रुपये तक पहुँच ही जाएगा। तो यही मोटा मोटी वेक्सिया लाइफ केयर से संबंधित जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। फिर भी यदि आपके मन में और भी कुछ जानना चाहते हैं या कोई शंका है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपके पास शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एंजल उनके साथ या MS स्टॉक के साथ अपना फिर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।